नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो मैं 4 महीने से गैप था, 4 महीने से मतलब मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। उसका रीज़न ये घर जिसको मैंने अभी भी बनवाया है, ये मेरा घर है, देख लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से। मेरा ये घर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही प्यारा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया मैंने। सब कुछ था हमारे पास, बस यही नहीं था। तो ये जो मेरा घर बना हुआ है, ये इधर दरौली और सिवान का मुख्य मार्ग है, ये तो बिल्कुल रोड के किनारे है। और इसके बगल में ही, मतलब यहाँ से आपको मार्केट शुरू हो जाता है। तो अगर लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो मैं बहुत ही अच्छी जगह पे है। और अब बिल्कुल आज मौसम भी बहुत ही सुहाना है। ये मेन रोड है और ये एक घर, एक बार और आपको दिखा देता हूँ मैं। तो चलिए बस अब आपको इसका अंदर का दिखाता हूँ। ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं ना, ये जो पेंट है। कितना लोग सोच रहे हैं टाइल्स लगा हुआ है, क्या है, टाइल्स नहीं है, ये पेंट है। मेरा किस्मत अच्छा था जो मुझे पेंटर बहुत ही अच्छा मिला हुआ था। तो ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं, कोई बहुत बड़ा टाइल्स नहीं है, जो टाइल्स टूट जाता है। अभी भी मैंने इधर बोरी में 3-4 बोरी रखा हुआ हूँ, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो फिर मैं इस साइड में बनवाने वाला हूँ। तो मेरे घर में 2 दुकान है, एक ये दुकान और एक उस साइड दुकान। तो चलिए थोड़ा सा इंटर करता हूँ। ये है मेन दरवाज़ा, मैंने कजारिया का टाइल्स इस्तेमाल किया हुआ है, सब कुछ कजारिया का। और ये सीढ़ी बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। और ये बिल्कुल मेरा मेन डोर, जब मेन डोर से एंट्री मारते हैं तो ये आपको एक बैठक या असुरा बोलते हैं इसको। अभी घर में कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ। तो ये बिल्कुल मेरा बैठक है। पेंटिंग का काम मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ है। और आप कमेंट में बताइएगा आपको मेरा घर कैसा लगा। और मैं थोड़ा इस साइड हो जाता हूँ। और अभी ये मैंने अमेजन से 2 पंखे मंगवाए हुए हैं, मैंने टोटल 7 पंखा बुक किया हुआ हैवेल्स फेस्टिवा का। थोड़ा सा बिस्तर ऐसे वैसे माइंड मत कीजिएगा, अकेला हूँ, कोई ठीक करने वाला नहीं है। तो ये है बाहर का लोकेशन। ये स्लाइडिंग कांच लगवा रखा है मैंने, ताकि ठंडी के दिनों में ठंडी हवा से बचा जा सके। और ये मेरे घर के सामने जो फ्रंट है। अब इस घर के बारे में अच्छी बातें भी बताऊंगा, और जो मेरे से गलती हुआ या पहले से गलती हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। अभी जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, सेकंड डोर है, असोरा के बाद जो पड़ता है सेकंड डोर, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। इस डोर को थोड़ा और मॉडिफिकेशन में होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा तोड़ फोड़ करता तो फिर मेरा बजट क्रॉस कर जाता। तो ये हमारा गैलरी है, गैलरी आप देख सकते हैं। काफ़ी टाइम लग गया मुझे घर बनाते बनाते। एक तरह से घर बनाने में समय तो लगता ही है। और ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं, ये टाइल्स एंटी स्किड टाइल्स है। इस पर ऐसा नहीं कि आप फिसल जाइएगा, गिर जाइएगा, मेरी बाइक भी इसके अंदर ही जाती है। तो ये हमारा गैलरी हो गया। यार यहाँ ना मैं बिल्कुल इन बंदरों से परेशान हूँ मैं। पी लो पी लो पी लो। वीडियो बना रहा था तो देखो मुझे पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, तो ये महाशय जी पानी पी रहे हैं। और पीना है पी लो भाई। भाग के मैं छत पे आ गया था। अब देखिए इनका काम है नल को खोलना, पानी पीना और छोड़ देना, चला गया। ये बेचारे बंदर भी कहाँ जाएंगे यार, जहाँ इंसान वहीं पे तो रहते हैं। कोई बात नहीं, फिर मैं नीचे आ गया हूँ। तो अब ये जो गैलरी है ना, इसमें बिल्कुल 1 रूम 2 रूम 3 रूम और ये 4 और ये 5 रूम। तो थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल कैमरा धीरे धीरे करते करते ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ। ऊपर मैंने POP का काम कर नहीं करवाया हुआ है, मैंने पेंट से ये डिज़ाइन बना रखा है। 2 पंखे हैं दोनों पंखों की जगह पे। और ये टाइल्स इसलिए दीवार रखा है ताकि कोई बच्चा या खुद हम साफ सफाई करते हैं
तो ये ताकि पेंट खराब ना हो। इसमें टाइल्स का कलर दूसरा दिया हुआ है, और ये जो बॉर्डर है ये भी मतलब बिल्कुल डिफरेंट टाइल्स है। ये एंटी स्किड है, बट ये एंटी स्किड नहीं है। अगर इस पे अगर पानी हो, कुछ भी हो, तो पैर फिसल सकता है। तो खैर, रूम में फिसलने का कोई काम तो है नहीं। और ये विंडो पुराने डिजाइन की, मतलब कि ज़्यादा मतलब पहले से ही लगा हुआ था। और ये सोफा 17-18 साल पुराना है, मेरे छोटी भाई के, मेरा जो छोटा भाई है उसकी शादी में मिला हुआ है। ये तो काफ़ी पुराना हो चुका है। ये सब चीज़ें अब प्रोसेस में है, बन रही हैं। तो ये एक रूम हो गया हमारा। इस घर के बनने पहले पे मैं इसी गैस पे खाना बना के खाता था भाई। जिस दिन मैंने घर खोला था ना, बिल्कुल आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मतलब कैसा था। और ये दरवाज़ा 20 साल की गारंटी है इसकी। इसमें भी मैंने हर छोटी छोटी चीज़ को डोर स्टॉपर लगाया हुआ है। ये स्वागत कंपनी का अच्छा आता है। और उसके बाद से ये ताकि दरवाज़ा जाके दीवार में ना लड़े और आपका मेरा पेंट ना खराब हो। तो सेम ये हो गया दूसरा रूम। हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा एक ये पेंटिंग अलग से करवाया हुआ है, ताकि अब आने वाले टाइम में शायद हो सकता है बाकी रूम में भी हो जाए। इसका फायदा ये है कि अगर आपके सर में तेल लगा हुआ है, आप बच्चे गंदा करते हैं, तो हम इसको वॉश कर सकते हैं। ये दूसरा रूम सेम है। इसी में मैं नीचे सोता हूँ रात को। ये थर्ड रूम अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि इसमें हर रूम में तो एक वन साइड विंडो है, इसमें टू साइड विंडो है। इधर जब बनेगा तब देखा जाएगा, लेकिन हमारा 2 फुट जमीन छोड़ा हुआ है। और सेम उधर 2 रूम। एक ये रूम और ये गैलरी में मैंने एक वॉश बेसिन लगवा रखा है, ताकि अगर हम कहीं इधर नाश्ता पानी कोई बाहर से आता है, उसको हाथ धोना हो, तो यहाँ पे हाथ धो सकता है। और ये शीशा मैंने बनवाया हुआ है, ताकि इस साइज का मुझे शीशा मिल ही नहीं रहा था, जो मैंने कटिंग किया हुआ है ये। तो अब गैलरी से आते हैं हम। ये किचन और बाथरूम का लाइन है। तो ये मेरा छोटा सा किचन है। सामान सामान पे ध्यान मत दीजिएगा, सामान बिल्कुल मैं अकेला हूँ, तो जैसे तैसे पड़ा हुआ है सब कुछ। जब दिल में आता है धोता हूँ। रात को दूध मंगाया था पीने के लिए, भूल गया। दूध का बन गया दही, मतलब फट गया। सब्जी से पड़ा हुआ है। और पूरे दिन मैं बस ये ओट्स बनाता हूँ, खाता हूँ, मतलब वेजिटेबल्स मिला के। और कुछ मेरे बस की बात नहीं है बनाना। बनाता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बना नहीं पा रहा हूँ। तो ये किचन हो गया, अब ये हो गया बाथरूम। ये बाथरूम बिल्कुल, हाँ, जब भी आप घर बनाते हैं ना, तो ये जो मिक्सचर है, और मार्केट में तो एक से एक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जगुआर का लगाने का। जगुआर का बहुत ही अच्छा आता है। और प्राइस अगर आपको जानना हो तो आप बताइएगा। और ये मैंने जो शावर है ना, शावर बिल्कुल ये ऊपर वाला लगा रखा है। ऊपर वाला लगवाने का फायदा ये है कि जो पानी है ना, पूरे शरीर पे मतलब चारों तरफ आता है। और ये हो गया बाथरूम। तो ये हो गया छोटा सा, एक समझ लीजिए कि मेरे घर का रिव्यू ही है भाई। इतना खुशी मिलता है ना एक घर बना के, वो भी अपनी कमाई से, मतलब बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते। छत पे तो ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स का भी डिजाइन आप देख लीजिए। चलिए, ले चलता हूँ आपको। और ये मैंने जाली जाली का, जब आप घर बनाते हैं तो जाली दम जरूर लगाना है। एल्युमिनियम बीट में जाली लगा हुआ है, बिल्कुल मैंने घर को पैक कर रखा है, क्योंकि ये यहाँ पे कीड़े मकोड़े, मतलब बरसात में यहाँ पे क्या, सभी जगह पे कीड़े मकोड़े आते हैं।
चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा घर कैसा लगा। अच्छा लगता है तो अच्छा बताइएगा, अगर इसमें आपको कुछ कमी लगता है तो वो भी बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।